गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? अच्छे से होंगे तो यहाँ पर आज हम बहुत ही अच्छा तरीका से और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब भी आप लोग हरा सब्ज़ी खा खा के परेशान हो गए होंगे, झिंगी परोर नेनुआ भिंडी ये सब खा खा के अगर परेशान हो गए हैं, तो चलिए ये सब्ज़ी आप बना कर देखिए और खाइए, तो बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी लगेगा और घर में सबको पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए उड़द दाल ले लिए हैं, इसे 4 से 5 घंटा पहले हम धो के अभी भिगो के रख दिए, तो ये फूल गया, इसे हम पीस लेते हैं। हम यहाँ सिलबट्टे और पीसेंगे, आप मिक्सी में पीस लीजिएगा। और यहाँ पर पिसा गया है तो इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर डाल के और थोड़ा सा इनो डाल के इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। इनो डाल है तो इनो डाल दीजिए, नहीं तो मीठा सोडा डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम डाल दिए, हल्का सा पानी भी डाल देंगे और ये सब मिला के इसको अच्छे से मिला लेंगे और उसको पूरा अच्छे से मिला देना तक ये हल्का और खिला खिला बन सके, ऐसा करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सारे चीज़ मिला दिए हैं। अब मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा इसे हाथ से इस तरीके से हम फेंट लेंगे और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी में भी डाल के चेक कर लीजिएगा, तो ये अगर ऊपर खिल जाएगा तो समझिए कि ये हो गया है। तो इस तरीके से मिलाते हुए इसे हम तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए गैस पर पानी रख दिए हैं और ये पानी जो है खौलना स्टार्ट करेगा, तब इसमें हम एक एक करके डालते जाएँगे और इस तरीके से डालते हुए ये एक अपने आप ऊपर सब खिल जाएगा और सारा जब ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपर तैरने लगेगा तो इसको निकाल देना है और निकाल के इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल पर आपको नए नए रेसिपी देखने को मिलेगा, नए नए तरीके से मिलेगा और नए नए टिप्स भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सारे को बना लेते हैं। वैसे तो अदौरी सभी लोग धूप में बनाते हैं और सुखाते हैं फिर सालों भर खाते हैं, लेकिन अगर आपके पास धूप नहीं है या टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी जब भी मन करे आप अदौरी बनाइए और खाइए, तो ये ताज़ा ताज़ा अदौरी एकदम फटाफट बन जाता है। और आपको स्टोर करना का मन नहीं है या टाइम नहीं मिला हो तो इस तरीके से भी आप बना के खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी स्वाद में और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम पानी में डाल दिए हैं और इसको दबकर पूरा खिल गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी होगा वो सूख जाएगा और पानी दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए सारे को निकाल लेंगे, तो इस तरीके से भी आप अदौरी बना सकते हैं। और नहीं तो सभी लोग तो स्टोर करके रखते हैं, जैसे धूप रहता है तो सभी बना के, जैसे चना दाल का हो गया, उड़द दाल का हो गया, वैसे बनता ही है। लेकिन अगर आपके पास बाय चांस टाइम नहीं मिला या कहीं चले गए और फिर बरसात का दिन आ गया और बनाए नहीं, तो आप इस तरीके से जब भी मन करे तब भी आप अदौरी का स्वाद चख सकते हैं। और तो यहाँ पर देखिए सारे हम निकाल के धूप में, ये पानी एक्स्ट्रा जो था वो सूख गया है, अब इसको कढ़ाई में तेल डाल के इस तरीके से हम भूंज लेंगे, जैसे भूंजाता वैसे हम भूंज लेंगे और भूंजने के बाद ही सारे को हम निकाल देंगे। तो अगर आप इस तरीका से भी बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभी सभी सब मतलब झींगी परोर नेनुआ ये सब खा खा के अगर आप लोग बोर हो गए हैं तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए, तो अलग ही स्वाद अलग ही टेस्ट लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हरा सब्जी भी लाना अभी भूल जाइएगा, तो आप इस तरीके से आप एक बार ज़रूर उड़द दाल का दौरी ताज़ा ताज़ा बना के खाइए और सबको खिलाइए। तो यहाँ पर देखिए सारे को हम इस तरीके से फ्राई करके और हम निकाल लेंगे और ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, आप रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जल्दी आप अपने फ्रेंड को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये आइडिया मिले और अपना घर में बनाए खुशी खुशी खाएं। तो यहाँ पर देखिए सारे को भूंज गए और निकाल लिए, अब यहाँ पर तेल डाल के फ़ौरन डाल के इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डाल के इसका फ्राई करेंगे भूंज प्याज को ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर देखिए बारीक प्याज काटनी है और काटने के बाद इसको इस तरीके से भूंजते हुए मसाला को तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप भी बनाइए घर में और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर करिए। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइए कमेंट करके, और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं ये ज़रूर बताइएगा ताकि अगले वीडियो में आप सबका नाम थैंक यू बोल सके हम, और अपना अपना नाम ज़रूर लिख लीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना नाम लिखिएगा और जगह का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्राउन कलर हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरा मिर्च और सारे घर के मसाले, जो भी आप लोग मसाला यूज करते हैं सारे मसाले डाल दीजिएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले डाल के, नमक स्वाद अनुसार डाल के, और इसको मसाला को हम तैयार कर लेंगे और प्याज को भी अच्छे से भून के डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मसाला ग्रेवी तैयार हो गया है। यहाँ पर मसाला भी डाल दिए हैं और सारे चीज़ को अच्छे से फ्राई करेंगे, मसाला को अच्छे से भूंजेंगे ताकि स्वाद भी और टेस्टी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मसाला को भून लेना है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस साल जो भी अदौरी बनाना भूल गए हैं या कहीं बिजी थे या नहीं बना पाए किसी कारण, तो इस तरीके से आप कभी भी अदौरी बना के खा सकते हैं। कोई भी अलग टेस्ट नहीं लगेगा, बढ़िया ही लगता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए मसाला भुंजा गया है। अभी से हम ढक देंगे और एक उबाल आएगा, उसके बाद जो हम भूंज के रखे हैं उसको इसमें डाल देंगे और फिर एक दो उबाल आएगा तो ये पक के रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी बनता भी है और ना धूप का ज़रूरत है और ना पीसने का ज़रूरत है, ना स्टोर करने का ज़रूरत है। जब मन करे ताज़ा ताज़ा अदौरी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी अपना घर में बनाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप इस तरीके से बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप रोटी चावल दोनों के साथ खाइए, खिलाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरा सब्जी खा खा के परेशान हो गए हैं। तो एक बार इसको बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।